गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, तुसी अपनिया छुट्टियां विच अपना टाइम किवें स्पेंड करते हो? कुछ बच्चे घर दे विच अपना कोई गेम्स खेलते हैं, कुछ बच्चे अपने माता पिता नाल किधरे घूमन फिरन जाते हैं, है ना। जिन्हों विचों कई धार्मिक स्थान पर जाते हैं, कई अपने नॉलेज बढ़ाने वास्ते कुछ स्थान पर जाते हैं जिते उन्होंने नॉलेज इनक्रीज होती है, वधदी है, है ना। इस तरह ही बेटे साडा जिहड़ा पाठ है, पाठ नंबर 21, ज्ञान विज्ञान ते मनोरंजन दा अनोखा संगम साइंस सिटी। बेटे इहदे नाम तों ही तुहानूं पता लग रहा है वी इह साइंस सिटी दे बारे पाठ है, ठीक है। साइंस मतलब विज्ञान। हर बंदे दे बेटे अपनियां रुचियां होंदियां, अपने शौक होंदे, है ना। उन्होंने शौक को अगे लैके ही असी अपना जोड़ा गोल हों उसको अचीव करते हैं, अपना जो टारगेट हों उसको पूरा करते हैं। बचपन तो ही सोच लेते हैं भी असी कि लाइन में आना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, है ना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो वो वास्ते बेटे सानू अपनी नॉलेज जी है इनक्रीज करने वास्ते सानू पढ़ाई का सहारा लेना पड़ता है ना। बट अपने अपन जड़ा भी तुसी लाइन चुननी है, जड़ा भी तुहाडा तुसी सोचिया भी मैं ये कुछ बनना है, उहदे वास्ते तुहानू उसे लाइन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। बेटा जड़ा साडा ये पाठ है इसका असी पत्तर करना है। पहला तुसी अच्छी तरह अपने इस पाठ को रीड करोगे, उस तो बाद तुसी पत्तर लिखोगे। पत्तर भी साडा विज्ञानक स्थान नाल रिलेटिड है, मतलब विज्ञान नाल संबंधित। हुण तुहानू पता है असी तुहानू हर तरीके प्रिपेयर करवाने भी जरूरी नहीं भी तुम्हें सारी बुकिश लैंग्वेज करनी है, तो उसी चैप्टर को रीड करना है, तो अपने अकॉर्डिंगली मेन मेन पॉइंट्स को अपने पत्र के विचकार एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पत्र वास्ते बेटे तुम्हें पाठ जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं भी सारे बच्चे जोड़े हैं वो साइंस सिटी गए हो, है ना। तो पत्र अगर तुम पाठ पढ़िया होगा तो ईजीली अपना जो पत्र है वह कर सकते। जिस तरह इस पाठ से सानू पता लगता है कि साइंस के नाल संबंधित है, कहते जोड़े लोग है प्राणी जो है समाज का हर प्राणी कहते विज्ञानक सोच का होना बहुत जरूरी है। जे असी सोचते हैं किसी चीज़ को ता ही असी उस चीज़ को बेटे कर सकते हैं। हुण जोड़ा जलंधर कपूरथला सड़क पर एक साइंस सिटी बनया हो जिसनों की साढ़े सबका प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल जी ने 17 अक्टूबर 1997 ईस्वी को अपने माता जी की याद के विचकार बनवाया, अपनी मदर की याद के विचकार उन्होंने बनाया। जोड़ा साइंस सिटी है वो श्रीमती पुष्पा गुजराल जी जो कि उन्होंने मदर से उन्होंने नाम से बनया हुआ है। इस दे विच की कुछ उन्होंने देखा सारा इस पाठ के विचकार सानू की कुछ सीखण नू मिलिया है, सारा कुछ जिहड़ा है वो तुहानू पता लगेगा अगर तुसी इस पाठ को चंगी तरह रीड करो, वो भी एक बार नहीं दो तीन बार चंगी तरह रीड करो, क्योंकि जिहड़ियां कहानियां होंदियां वो तो सानू एक बार ही बेटे समझ आ जांदी है। जिहड़े इस तरह के नॉलेजेबल चैप्टर जिहड़े होंदे हैं उन्होंने सानू एक दो बार रीड करना पैंदा है, ठीक है। ता ही असी उस चीज़ को अच्छे तरीके अटैम्प्ट कर सकते हैं। जिवें हुणे तुहाडा पत्र है इहदे विचकार कहिंदे सब तो पहला तुसी लिखना है प्रीख्या भवन कौमा मिति, मिति मतलब डेट, जिहड़ी उस दिन की डेट होगी जो तुसी पत्र करना है। खाली जगह में छोटी अटैच लिश पाए हैं, ये है महीने की जगह भी किहड़ा महीने के विचकार तुसी कीता है, दैन कौमा पा के फिर केड़ा ईयर 2020 है तो लिखो, ठीक है। नैक्सट तुम लिखना है सलूक, फिर पत्र तुम क्यों लिख रहे हो, किनू लिख रहे हो, सारा तुम्हें नाम तो जज करोगे। जरूरी नहीं है कि पत्र के पार्ट लिखना ही लिखना है पत्र के विचार। कहते अपने मित्र को अपनी साइंस सिटी लिख पाया विज्ञानक यात्रा बारे पत्र, साइंस सिटी जा विज्ञानक यात्रा भी आ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना। जरूरी नहीं भी डायरेक्ट साइंस सिटी आएगा, मोड अगर टीचर थोड़ा जहाँ करता थोड़ा जहाँ अपना ब्रेन यूज करें।
मित्र किस बारे लिखना है, अपनी साइंस सिटी की यात्रा बारे। तो जो फ्रेंड ने टूर किया है यात्रा की है साइंस सिटी बारे, वो बारे जरूरी नहीं भी तुम किसी भी तरह के हो सकता है, अपने स्कूल न भी जा सकते हो, टूर अपने पेरेंट्स न भी जा सकते हो, बट थोड़ी नॉलेज तो वही है, ज्ञान में तो वाधा होया ही है। ये बेटे सारा तुम पत्र के विचार वधिया ढंग के नाल लिखना है। कहते कि लिख रहे हो प्यारे मित्र जो सहेली, अगर बॉय है तो मित्र लिखेगा, अगर गर्ल है तो सहेली लिखेगी, ठीक है। फिर कहते तुम लिख दो प्यारे मित्र सहेली नहीं लिखना चाहते तो वह नाम लिख सकते, जिमें रमन लिख दो, सुमित लिख दो, जो भी तुम लिखना है, ठीक है। अगर गर्ल का नाम लिखना है मतलब लड़की है तो प्यारी अमन, अगर लड़का है तो प्यारे सुमित, या कोई भी नाम तुम अपने पसंद कर सकते। सत श्री अकाल, हूँ इतने मिठी याद भी लिख सकते हो, सत श्री अकाल भी लिख सकते हो, है ना। उस तो बाद जो पत्र बेटे शुरू करना है तो सब तो पहला तुम अपना हाल चाल दसना है, तो उन्होंने हाल चाल पूछना है, है? मैनू मैं तेन ये जान के बड़ी, फिर उस तो बाद नैक्सट पहला शुरू करोगे बई तेन ये जान के बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने स्कूल के नाल साइंस सिटी गया। फिर उ थोड़ा जहा दसोगे भी साइंस सिटी कि थान पर है, कि नाम से बनाया है, कि नहीं बनाया, वो सारा इतने एक्सप्लेन कर दिए नैक्सट पैर के विचार, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट जो पैर है वो दसोगे भी जो साइंस सिटी है वो उसी की देखा, जिमें कहते एक शरीर बनावट वाला जरा ढांचा वो देखा, एक बड़ी सारी स्क्रीन देखी, ये सारा कुछ जो अलग अलग पैराज बेटा करके तुम उ लिख दोगे, अपने टू थ्री पैराग्राफ्स बनाओगे, नाल सारा एक्सप्लेन करोगे। अगर फर्स्ट पैरा तो वो साइंस सिटी बारे एक्सप्लेन करोगे भी कदों बनया सी, किन्ने बनाया सी, कि याद में बनाया सी, तो आम लोगों वास्ते वो कदों खोलिया गया, जिमें जरा ये बनाया सी 17 अक्टूबर 1997 ईस्वी को, सबका जो साढ़े सके सबका मतलब जो पहले रह चुके हैं, नींह पत्थर किने रखा सी सबका प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल जी ने वालों 17 अक्टूबर 1997 रखा गया सीधा नींह पत्थर, मतलब स्टार्ट किया गया सी, ठीक है। कहते इसका मंतव की है, जी सा नौजवान पीढ़ी है उसको विज्ञान के सिद्धांत जोड़े सिद्धांत है उन्होंने मनोरंजक तरीके जागरूक करना, मतलब जोड़े साड़ी अज की पीढ़ी है अजोकी पीढ़ी है उसनों अजोकी पीढ़ी में जाणू करवाना विज्ञानक जोड़े सिद्धांत है उन्होंने, ताकि उन्होंने इंट्रस्टिंग वे के समझ आ सके, उन्होंने विचार खिच का केंद्र रहे भी असं उत्तर जाना है, ठीक है। फिर ये कदों खोलिया गया आम लोगों वास्ते 19 मार्च 2005, ठीक है बेटे। ये सारा तुम एजगार एक्सप्लेन करोगे, दैन नैक्सट तुम दसोगे सैकेंड वाला पैरा एक्सप्लेन करोगे, फर्स्ट पैरा तो मैं दस चुकी हाँ अपना हाल चाल दसोगे भी सत श्री अकाल लिख लिया, उस तो बाद मैं इतने ठीक ठाक हाँ, मैं उम्मीद है कि परमात्मा की मेहर सदका तुम भी ठीक ठाक हो गए। सैकेंड तुम मैं दसिया भी वह क्यों बनया, जरा साइंस सिटी किन्ने बनवाया सारा वो विचार। नैक्सट तुम अपना अपने अकॉर्डिंगली चैप्टर के मेन मेन चार पाँच चीज़ा तीन चार चीज़ों निकालोगे, जिमें जी वी स्क्रीन लगी हुई है, अपने ग्लोब नुमा बनया हुआ है सारा वो बारे, ये सारा कुछ तुम अगले पैराग्राफ्स के विचार एक्सप्लेन करते जाओगे। तो लास्ट वाले पैरे के विचार तुम लिखोगे कि मैं उम्मीद करती हाँ कि मेरिया इन गल् सुन के तू भी उत्ते जान वास्ते अपने स्कूल के प्रिंसीपल साहिबान या फिर अपने परिवार के मैंबर या अपने पेरेंट्स को कहेगी, ताकि तेरे ज्ञान के विचार वाधा हो सके। ये लिखन तो बाद ठीक है, तो तुम सारा उत्तर लिखोगे, फिर लास्ट तुम लिखोगे तेरी सहेली तेरा मित्र, जो भी अगर बॉयस लिख रहे तो मित्र, अगर गर्ल्स लिख रही है तो तेरी सहेली, नीचे अपना नाम लिखना है, ये नाम पाके डैश डैश नहीं मारनी बेटा, तुसी नीचे नाम लिखोगे जोड़ा बंदा अपने फ्रेंड नूं लिख रहा है तो उहदा नाम नीचे होना चाहिए बेटा। पत्र वधिया तरीके दे नाल अगर कीता होएगा तो इहदे वी तुहाडे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक चो चैप्टर रीड करके वधिया तरीके दे नाल बेटा तुसी इसका पत्र करना है,
ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਬੇਟੇ। ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।